हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल मिथिला राइटर फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज 10 बजने वाला है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी बाइक बहुत ज़्यादा गंदी है तो उसको धोते हैं, फिर आपको कहीं लेके चलेंगे। आज तो सबसे पहले आपको बाइक दिखा देते हैं, देख लो कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है। और ये 3-4 दिन से खड़ी है ऐसे ही, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। इसको आज धोते हैं और कहीं एक छोटा सा राइड मार के आते हैं, देख सकते हो आप। चलिए पहले इसको धो लेते हैं। तो फाइनली अपनी बाइक धुल चुकी थी और अभी जा रहे हम राजनगर के लिए। तो आज का वीडियो आज देखिएगा, और जहाँ होंगे तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा। एक बार अपना ब्लैक टाइगर देख लीजिए। तो अपने गांव से निकल चुके हैं हम अभी, और ये है अमादा, और राजनगर वाला रूट से 2-3 गांव पहले आता है। इसके बाद आएगा बेलवार, और उसके बाद आता है परिहारपुर, उसके बाद आता है राजनगर। तो अभी हम अमादा से निकले हैं और रोड पूरा मक्खन मिल गया है, तो आज तो पूरा भगाने का मौका मिलेगा। बस देखते हैं कितना तक खींच पाते हैं। ज़्यादा लंबी राइड नहीं है, 8-10 किलोमीटर का राइड है। वहाँ पे एक राज पैलेस है, उसको एक्सप्लोर करना है और आप लोग को दिखाना है। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आप रास्ते का मज़ा उठाइए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो अभी हम बेलवार गांव से निकल चुके हैं और हमारे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप चिमनी है। तो ये आपको ये रोड कन्फर्म हो जाएगा कि ये राजनगर और बाबू बड़ी वाला रोड है। तो रास्ता तो पूरा ही एक नंबर है, पर सिंगल लाइन है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है कि इधर उधर से गाड़ी वाले सब आते हैं। और ये है पवन चौक जो कि चिमनी भट्टा के पास है। और रास्ता पूरा ही एक नंबर है जो आप देख सकते हो, और मैं 95-100 के बीच क्रूज कर रहा हूँ। आराम से मैं 100 पे पहुँच जाता हूँ बाइक लेकर के, और कभी 90 भी रहता है, कभी 80 भी रहता है, कभी 70 भी रहता है। तो फाइनली हम राजनगर राज पैलेस के पास पहुँच चुके हैं, और हमारे सामने आप देख सकते हो राज पैलेस का नज़ारा, जो कि आपको समझ में आ गया होगा ऐसा ही राजनगर के अलावा और कहीं नहीं है। तो आप देख सकते हो कैंपस के अंदर हम घुस चुके हैं, और आगे आपको सीधा लेके चलेंगे हम लास्ट में जहां से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो आप एक बार पूरा कैंपस का नज़ारा देखते जाइए इस वीडियो में, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग का प्यार और दुआ सपोर्ट से अच्छा हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा। तो चलिए आप देख सकते हो, ये सब कवर करेंगे हम वीडियो में, क्योंकि राजनगर राज पैलेस का सीरीज अभी बैक टू बैक आने वाला है। हर एक एपिसोड में आपको राजनगर पैलेस का भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लास्ट में जहाँ पर BSF का जवान रहता है, तो वहाँ पर कैंप है उन लोग का, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, उस मंदिर से हम स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर 11 मंदिर है, 11 मंदिर हम पूरा आपको कवर करेंगे। इस वीडियो में नहीं होगा, बैक टू बैक सीरीज बनाना पड़ेगा इसके लिए। हर एक वीडियो में एक मंदिर कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले वहीं चलते हैं, और आप राज कैंपस बहुत बड़ा है, आपको घूमने में पूरा दिन लग जाएगा। तो ये सामने देख सकते हो आप दुर्गा माता का मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत भी है, इसके अंदर जाने के बाद पता चलेगा। तो अभी हम यहाँ नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे सीधा शंख मारवार मंदिर के पास। तो काफ़ी अच्छा है वो मंदिर, और देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। तो चलिए सीधा आपको वहीं लेके चलते हैं। और कभी भी आप राजनगर की तरफ से होके कहीं जाते हैं तो एक बार राज पैलेस ज़रूर विजिट कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा देखने में सुकून मिलेगा। सुकून तो पता है आपको कौन कौन सी जगह पर मिलता है, तो सुकून वाले जगह ही ऐसा होते हैं जहाँ पे काफ़ी पुराना चीज़ें होती हैं, वहीं पे जाके सुकून मिलता है। तो हमारे राइट साइड में एक तालाब आ गया, और यहाँ पे छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, और सामने हमारा शंख मारवार वाला मंदिर है। तो हम वहीं पे चलते हैं और सीधा आपको वहीं पे कवर करते हैं वीडियो, और देखते हैं क्या क्या कवर कर पाते हैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम इधर एंट्री लेते हैं, और लेके चलते हैं हम आपको सीधा
संगमरमर वाले मंदिर में। तो फाइनली गाइज हम लोग राजनगर राज पैलेस पहुंच चुके हैं और ये हमारे और ये राजनगर सीरीज में आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेगा, एपिसोड बाय एपिसोड मिलेगा आपको। सबसे पहले इस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन सी भगवान की मंदिर है और कौन सी माता देवियों की मंदिर है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा नए नए वीडियो देखने के लिए, सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप साइडों से देखिए, नीचे से दिखा रहा हूँ मैं, इसके ऊपर से भी चलेंगे तो सबसे पहले साइडों में मिथिला पेंटिंग हो चुका है। इसके राइट साइड में बहुत बड़ा घंटा है, इस पर ये भी दिखा देते हैं आपको क्या लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हो इतना बड़ा घंटा है कि उठा भी नहीं सकता। इस पर लिखा है घंटा बजाना मना है। इसके बाद इसके राइट साइड में भी दिखा देते हैं, इधर भी शायद पेंटिंग हुआ हो, तो इधर कोई पेंटिंग नहीं हुआ है। और चलिए मंदिर को सीधा ऊपर चलते हैं और आपको वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इसके ऊपर जाने का द्वार इधर से है और चलते हैं। यहाँ पे चप्पल जूते खोला जाता है क्योंकि भगवती का स्थान है, यहाँ पे मंदिर है देवी देवता का। तो जय भगवान सबसे पहले। और इसके ऊपर आ चुके हैं हम। इसके ऊपर आने के बाद आपको एक आगे में बहुत बड़ा बरांडा मिल जाएगा। इस साइड में भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, देख सकते हो। और इस साइड में भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। और इधर से हम बाहर का व्यू दिखा देते हैं तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा व्यू। वो हमारा सामने तालाब है, उस साइड नौलखा पैलेस है। और मंदिर के अंदर चलते हैं फिर देखते हैं। तो फाइनली हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और मंदिर में ताला लगा हुआ है तो आप देख सकते हो। अरे कौन सा भगवान का मंदिर है वो भी दिखाएंगे हम आपको। यहाँ से दिखता है तो आपको शीशा में से दिखाएंगे हम कि कौन सा भगवान का मंदिर है। देख सकते हो काली माता का मंदिर है और मैं काली माँ को नमन करता हूँ। फाइनली आप देख सकते हो। और इसका दो द्वार भी है, एक इधर से है तो ये भी देख सकते हो आप। इस साइड बाहर निकलने के लिए है। और तो दो द्वार था जो बाहर निकलने का था, फिर उसके अंदर से भी एक द्वार है जो कि इस साइड बाहर निकलता है। तो चारों साइड हम इसमें, और एक द्वार इधर भी है, इधर से भी निकलते हैं। और हमारा साइड में पीछे बाद है बहुत बड़ा, तो एक द्वार इधर भी है और एक द्वार ये जो है ये बंद पड़ा हुआ है, इसमें लॉक लगा हुआ है। और ठीक उसके सामने भी एक है। चलिए फिर अंदर चलते हैं और हम फिर से आ गए इस साइड। तो इस साइड भी एक द्वार है, इसमें भी लॉक लगा हुआ है। और इस साइड भी देख सकते हो आप काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। फिर अंदर चलते हैं और ठीक इसके सामने भी ऐसा ही द्वार है। फाइनली हम इधर आ गए हैं। फिर से हम इधर से गए थे और फिर इधर से आ गए हैं। ये हमारे साथ पुजारी जी हैं, इनसे कुछ बातें करेंगे। तो बाबा ये जो मंदिर बना हुआ है ये कब का बना हुआ है और किस टाइम का बना हुआ है? 1838 का बना हुआ है। 1838 का दरभंगा महाराज रामेश्वर सिंह बनवाया हुआ है जी। तो इसका कुछ विशेषता बताएंगे आप? विशेषता सब तंत्र मंत्र से सिद्ध किया हुआ है जी, जिनको जो मनोकामना रहता है यहाँ सामने देखिए होता है जी। और सामने देखिए ना, सामने देख के बोलिए ना। विशेष पूजा पाठ जी पर बराबर होते रहता है जी। काली माई का ये दरबार है जहाँ पर 11 मंदिर है जी अगल बगल में। ठीक, जैसे बाबा बताए हैं कि 11 मंदिर है तो हम एक एक मंदिर करके हर एपिसोड में आपको दिखाएंगे। और आपका नाम क्या हुआ? पुजारी नागेश्वर शास्त्री। इनका नागेश्वर शास्त्री जी नाम है और ये काली माँ का मंदिर है। चलिए आगे आपको और वीडियो दिखाते हैं और आगे दिखाते हैं क्या क्या सब इस मंदिर में विशेषता है। इस मंदिर को ऐसे हम यहाँ से आगे से दिखाएंगे आपको और इसको धीरे धीरे अंदर लेके चलेंगे और दिखाएंगे क्या कलाकृति किया गया है इसके अंदर, वो भी आपको दिखाएंगे हम। और आप देख सकते हो शंख मार्बल के पत्थरों से इसको तराशा गया है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है। अपने टाइम में ये भी एक ताजमहल से कम नहीं था। देख सकते हो इस दीवार के ऊपर तंत्र मंत्र जो भी विद्या सब लिखे हुए हैं ये सब उस टाइम का ही लिखा गया है। और इसका कलाकृति देख करके आकर्षित हो सकते हो। तो आपको कभी मौका मिले राजनगर पैलेस घूमने का तो आप आ सकते हो और इस वीडियो के माध्यम से आप और आदमी को जागरूकता फैला सकते हो। इस राज पैलेस का हर एक एपिसोड बैक टू बैक आने वाला है तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि 11 मंदिर है तो 11 को 11 आप लोग को हम दिखाने वाले हैं। एक चीज़ जो बाकी था, अभी मंदिर का पार्ट खुल चुका है तो वो भी आपको इस वीडियो में कवर कर देते हैं और चलिए आपको दिखा देते हैं। फाइनली आप देख सकते हो इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा मूर्तियाँ हैं
और जिसने बनवाया उसका भी तस्वीर है। अगर बैक साइड में मैं जूम करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो, और काफ़ी अच्छा बनाया गया है। ऊपर नहीं जाए, ऊपर नहीं जाए, ठीक। तो इसके बगल में फाइनली एक भैया आइसक्रीम वाले मिल गए हैं, जिसके पास से मैंने एक चोकोबार लिया, और ये हमारा सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, तो इनसे मिला देते हैं और इनका नाम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका भैया? शिव पासवान है। चलिए, बहुत बढ़िया, और ये हमारा एक सब्सक्राइबर भी हो गया है, तो वीडियो देखिएगा ना, देख लीजिएगा, आप भी आ गए हैं वीडियो में। चलिए ठीक है, फाइनली यहाँ का वीडियो कम्प्लीट हो चुका है, और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।